जो जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा भाई तिहाड़ का तो नंबर आएगा। सारे पत्रकार हो अपना कैमरा ऑन रखना। पता किस बात पे मोदी का डंका बज रहा है एक बात बता दे। मीडिया कह रहा है, मीडिया कह रहा है। कल को मीडिया मोदी को चोर कहने लगा, तू भी चोर करेगा तो इसका मतलब तू मीडिया का गुलाम होगा। मैं कह रहा हिंदुस्तान के बैंक में काम को, हिंदुस्तान के बैंक में जगह नहीं है, इसलिए मेरा अकाउंट स्विस बैंक में। अगर मोदी में हिम्मत है तो उस अकाउंट को ओपन करा दे। लेकिन गुलाम है ईडी, गुलाम है सीबीआई, गुलाम है इनकम टैक्स। देश की हर संवैधानिक संस्था मोदी की गुलाम है। जिस दिन किसानों का आह्वान होगा वही 4 लाख ट्रैक्टर होंगे, वही 25 लाख किसान होंगे और सीधा संसद होगा। जिसकी माँ ने दूध पियाया आपका रोक के दिखा दियो। सुन, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की इज्जत पर बोलता है और गुजरात में बलात्कारियों को छुड़वाता है। दोहरा चरित्र, ये जो दोगले होते हैं ना दोगले, वो दोगला पशु हो या इंसान हो सबसे खतरनाक होता है। मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन से नीतीश कुमार ने इनका पाड़ा बदला है गुजरातियों को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा खा के सो रहे हैं। लेकिन क्या काल में जाके पूछो मोदी से कि एक तरफ महिला के सम्मान की बात करता है और उसी समय वहाँ से अपराधियों को छुड़वा देता है, रेपिस्टों को छुड़वा देता है। तो जाओ मोदी से पूछो, जाके मोदी से पूछो। आप भी तो कुछ बोलेंगे ना। मैंने तो बोल दिया कि देश में विष काल चल रहा, रावण राज चल रहा, गुंडा राज चल रहा। ताऊ जी, जो मिनिस्ट्री मीडिया ने सर्वे किया है 2024 में फिर से आ रहे हैं मोदी जी, 61% लोगों ने वोट कर दिया है। ले आओ, ले आओ भैया। योगी जी आ गए ना फिर से। क्या योगी जी फिर से आ गए उत्तर प्रदेश में? आ जाओ, मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। आओ लो, बना लो। आपका क्या होगा? है आपका क्या होगा? क्यों हमारा क्या, हम तो अब भी ऐसे ऐसे तब अब भी विरोध कर रहे हैं गलत नीति का। बहुत विरोध करते हैं मोदी जी का। तो क्या हो गया, निशाने पे आ जाओगे? क्या हो गया, डर नहीं लगता आपको? है डर? जो डर गया वो मर गया। वो मर गया, मर के क्या करोगे फिर तो खत्म कर सब कुछ। तो हम थोड़े डर रहे, हम ना डरे हैं, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, लड़ेंगे जब तक दम में दम है लड़ेंगे। आंदोलन बेरोजगारों का है या फिर किसानों का है? बेरोजगारों का। किसान नेता क्या कर रहे हैं? क्यों बेरोजगार, हमारे बालक ना पता कौन से नेता का बालक है इसमें, है कोई या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा? अरे किसान और मजदूर के बच्चे, पर किसान और मजदूर है हम ही आए और कौन आया? यही तो वोट देते हैं, कौन सा नेता का बच्चा वोट देते हैं? यही वोट देते हैं, यही विरोध करते हैं। हाँ तो क्या हुआ, जो दे लिया ठोकर लग गई सिमड़े गए। दो बार तो लग गई, अब कितनी लगेगी, बार बार ठोकर लगेगी का? तो क्या करे, मर जाए, गुलामी कर ले? तो भाई तो गुलाम तो बने, हम गुलाम नहीं बने और क्या। अरे हम मुगलों के गुलाम नहीं बने, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने। ये विरोध दिखावी है, दिखावा है क्या? फिर असर नहीं हो रहा इस विरोध का? क्या ये दिखावती है क्या सारा विरोध? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों नहीं हो रहा? सब हो रहा। कहां आपने अभी कहा, कहां क्या यार, क्या हमारा काम क्या? हथियार तो हम उठावे ना थारे कहने से, हथियार ना उठाने के, हथियार उठाने में ना देंगे मोदी योगी आप। क्या ठीक है, वो तुम उठा लो, तुम उठा लो। बात तो कोई मानती नहीं आपकी, किसान किसान के एमएसपी वगैरह कोई तो लागू किया नहीं। थारी मान ले, थारी मान रखी तो तुम अपनी मनवा लो भैया जाकर। ये तो आंदोलन नहीं कर रहा ना, क्यों आंदोलन तो आप कर रहे हैं ना? क्यों थारे भी तो बहुत सारे चैनल बंद कर दिए, तुम भी बैठ जाओ आंदोलन पर। जो गलत करेगा वो बंद होगा उसका, जो गलत करेगा उसका बंद होगा। हाँ तो गलत का विरोध कर रहे हैं हम भी और जब तक जिएंगे गलत का विरोध करेंगे और ऐसे ही करेंगे। ताऊ जी, मोदी जी ने भाषण दिया था लाखले की प्राचीर से और 2047 डेट बताई उन्होंने, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? 2047 तक रहेंगे वो? देखिए हर 5 साल में चुनाव आते हैं, फेंकने में नंबर वन, झूठ बोलने में नंबर वन, क्या कहोगे? मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे दुनिया में, आप वैसे ही। रुको भाई रुको, सारे पत्रकार हो अपना कैमरा ऑन रखना। पता किस बात पे मोदी का डंका बज रहा है एक बात बता दे। मीडिया कह रहा है, मीडिया कह रहा है, है? मीडिया कह रहा है। अगर दूसरा आदमी कुएं में गिरन लगेगा तो तू भी कुएं में गिरेगा भाई। मैं तो है, कल को मीडिया मोदी को चोर कहने लगा, तू भी चोर करेगा तो इसका मतलब तू मीडिया का गुलाम होगा। तो ईडी भिजवा रहे हैं सबके घर पे, भिजवा रही है घर पे, छापे पड़ रहे हैं, ईडी भिजवा रहे हैं चोरों के यहाँ पे। हमारे घर भिजवा दे, कुछ है आपके पास है? क्यों तुझे कैसे पता? मेरे से, मेरा अकाउंट सबके सामने कह रहा हूँ स्विस बैंक में।
अगर मोदी में हिम्मत है तो उस अकाउंट को ओपन करा दे। लेकिन पैसे मिल रहे हैं विपक्ष के पास में मोटे है? पैसे मिल रहे हैं ना, मोटा धन मिल रहा है मेरे पास बहुत। मैं कह रहा हिंदुस्तान के बैंक कर रहे काम वो, हिंदुस्तान के बैंक में जगह नहीं है, इसलिए मेरा अकाउंट स्विस बैंक में। अरे ताऊ अपने को छोड़ो, पर दूसरों पे तो मिल रहा है ना। क्या सिसोदिया को देखो, छापा पड़ रहे सिसोदिया के यहाँ पे, डिप्टी सीएम दिल्ली के। कितने नोट मिले? अभी मिलेंगे। कब मिलेंगे? जांच हो रही है। अच्छा चार दिन हो गए अभी तक पैसा मिला नहीं, इसका मतलब अडानी ने अभी भेजा नहीं कि वहाँ रख कर शिफ्ट करेंगे। बाकी क्या तो मिले? चाहते क्या हो आप? चाहते क्या हो? गुलाम है ईडी, गुलाम है सीबीआई, गुलाम है इनकम टैक्स। देश की हर संवैधानिक संस्था मोदी की गुलाम है, हर सरकार गुलाम रहती है। मोदी की गुलाम है, मोदी की। फिर आप तो नहीं हो, फिर क्या 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 हो? मैं संवैधानिक संस्था थोड़ा ही हूँ। आपको इतना अधिकार तो मिल रहा है कि बोल पा रहे हो आप जंतर मंतर पे आके सरकार के खिलाफ। क्यों अधिकार मिल रहा है ना आपको? हम तो अंग्रेजों के खिलाफ भी बोल रहे, हम वहाँ का रुके, हम तो मुगलों के खिलाफ भी बोले। ये अंग्रेज है क्या? है अंग्रेज है ये? और अंग्रेजों के बाप है, अंग्रेजों की दलाली करते थे, आरएसएस दलाली करता था। वीर है, वीर वीर मानते हैं। कौन वीर? सावरकर। देखिए गधे को साबुन से नहलाने से कभी घोड़ा नहीं बनता। हिंदुवादी आ रहे हैं अभी, बुला ले। कौन है? यही आंगे बुला ले। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति, उसमें आजादी में पता किस हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से पेंशन ली? जिसे तुम वीर कह रहे हो उसने ही पेंशन ली। क्या आज क्या बताने के लिए आज जंतर मंतर पर आए हुए? देश को रोजगार, देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दे और देश का गृह राज्य मंत्री अजय टेनी तिहाड़ जेल के अंदर, ये सब मुद्दे हैं। आपको पता है जो भाजपा में जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, तो आप बेकार क्या? ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपको लगता है कि जीतेंगे आप? क्यों नहीं? ये बात तो तुम किसान आंदोलन में भी पूछते थे कि तब जीतोगे या नहीं। हमने वहाँ भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी और जीते, मोदी को रुलाया, झुकाया, नाक रगड़वाई, माफी मंगवाई, कानून वापस कराए। यही बातें जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तब भी आरएसएस वाले कहते थे। प्रधानमंत्री का पर दुनिया में टंका बज रहा है, आप अकेले किसान है कि विरोध करते जा रहे हैं? इस देश में सबसे बड़े मूर्ख अगर कोई है तो वो पत्रकार हैं। हाँ। जो कहते हैं मोदी का डंका विदेश में बज रहा है। कोई कहता, कोई ये नहीं बताता बज क्यों रहा। हाँ। ये बताओ ना कौन सी उसकी नीति पे बज रहा है। हाँ। नीति कोई नहीं बजाएगा, बस आरएसएस का एक मुद्दा पकड़ रखा है कि मोदी का डंका बज रहा। जो भक्त है वो तो डंका बजा रहे हैं ना सब जगह, वो तो कह ही रहे हैं। अब देखिए गधा तो ढोंचू ढोंचू करेगा। कौन गधा है? जो ये कहता है कि मोदी का डंका बच रहा, वो सब गधे हैं। देश की कम से कम 70% आबादी कह रही है। कौन कह रहा 70% कह रही है? 35% वोट मिलता है ना। हाँ भाजपा को। हाँ तो 70 कैसे हो गया? तुम भी डबल आ गए? अरे मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हो? यही तो जब प्रधानमंत्री बोलते हैं वही राम जी सब की बात करते हैं। देखिए सुन, देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिलाओं की इज्जत पर बोलता है और गुजरात में बलात्कारियों को छुड़वाता है। दोहरा चरित्र। ये जो दोगले होते हैं ना दोगले, वो दोगला पशु हो या इंसान हो सबसे खतरनाक होता है। ताऊ आप क्या मानते हैं कि जो भारत में है लोग हैं, युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, बीजेपी सरकार नहीं दे रही है, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्यों दिया कहाँ? अगर इनको रोजगार मिलता तो ये सड़कों पर क्यों है? देश में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है मोदी राज में, और रोजगार जो मोदी बता रहा है वो 7 लाख कुछ दिया है। तो कहाँ है मोदी तेरा वादा? वादे पे तेरे मारा गया देश का युवा और किसान सीधा साधा। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे लोगों को कहा था कि 22 में लोगों को घर होगा, छत होगा, बिजली होगी, लेकिन ये जिसके लिए कहा था ये लोग विरोध कहाँ कर रहे हैं? लोग तो खुश है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसे तुझे पता महोत्सव मना रहे? मनाया ना आपने, सड़कों में नहीं देखा? क्या देखा? तिरंगा झंडा। मैंने तो कूड़े के ढेर में भी तिरंगा देखा। हाँ। उसका अपमान किसने कराया? इसी ने कराया ना। एक चीज होती है देश की जो वो है ना आन बान शान, यहाँ होती है। अभी जो सर्वे आया है 24
अभी प्रधानमंत्री मान लिया गया नरेंद्र मोदी को। कौन ला रहा सर्वे अभी? क्या मीडिया फिर क्यों चुनाव करा रहे हो? बंद करो मीडिया, बंद करो लोकतंत्र को, तानाशाह घोषित करो देश को, बंद करो लोकतंत्र को। तो कह ही रहे कि पार्टी एक ही पार्टी बचेगी भारत में। जो देश में ऐसे सर्वे करता है, जनता से अनुरोध है जूते लेके दौड़ा लो ना। मेरा कोई विकल्प नहीं है मोदी के अलावा, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन से नीतीश कुमार ने इनका पाड़ा बदला है, गुजरातियों को नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खा खा के सो रहे हैं। लेकिन क्या रहे ना कि प्रधानमंत्री जो भाजपा के जेपी नड्डा है वो कह रहे हैं कि एक ही पार्टी भारत में बचेगी। ये जेपी नड्डा भी स्टूल मंत्री बन रहा बैठा, ऐसे कोई काम ना? काम तो कर रहे हैं। क्या कर रहा? बोल तो रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बोलने को तो कुत्ता, अरे यार भौंकने को तो कुत्ता भी भौंकता है। किसको कुत्ता कह रहे हैं आप? एक माने जाने लोगों को कुत्ता कह रहे? क्या कह रहा मैं कह रहा हूँ भौंकने के लिए तो कुत्ता ही काफी होता है। इंसान और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। सम्मानित पदों में ध्यान रखते हैं। क्या सम्मानित पद है? क्या पद है? देश में 3,000 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, तो क्या सबका रखोगे तुम? केजरीवाल जी कह रहे हैं बनेंगे प्रधानमंत्री। बन जाओ, अच्छी बात है, बढ़ो बढ़ जाओ। लेकिन सिसोदिया पे सीबीआई का छापा देखिए, जो जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा भाई तिहाड़ का तो नंबर आएगा। आतंकवादी भी कहलाएगा तुम? आतंकवादी भी कहलाएगा जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा? तो बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए मैंने तो कह रखा है 17 बार जा चुका, 18वें की तमन्ना है, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन इस देश की सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। अरे बताऊ बिहार से जो शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य में भी शुरू होगा इस तरह? जब जब देश में सत्ता परिवर्तन की क्रांति भड़की है वो बिहार से ही भड़की है। क्यों रोकने? हमें कोई रोक सकता है? हमें ना टिकरी बॉर्डर जाना ना किसी बॉर्डर जाना। जिस दिन किसानों का आह्वान होगा वही 4 लाख ट्रैक्टर होंगे, वही 25 लाख किसान होंगे, और सीधा संसद होगा। जिसकी माँ ने दूध पिया आपका रोक के दिखा दो। टिकरी बॉर्डर पर डंडा तैयार है पुलिस का है? आप लोग जो आने वाले हो, ट्रैक्टरों में बम्पर बहुत मजबूत है, याद रख लेना। सावधान दिल्ली, जिस दिन किसान आएगा कोई माइकल आर रोक नहीं पाएगा। क्या मांग है जिसकी वजह से आप लोग आना चाह रहे हैं? क्या यहाँ पर दिल्ली आना चाह रहे हैं? MSP पे गारंटी का कानून, अग्निवीर वापस, किसानों के मुकदमे वापस, युवाओं को रोजगार, बच्चों को शिक्षा, महिलाओं को सुरक्षा, देश का हर मुद्दा किसान का मुद्दा होगा।